हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? हाँ पता है मुझे, काफ़ी दिन हो गए, लेट हो गए, आए क्यों नहीं सर? सॉरी उसके लिए, एडवांस में आपको सॉरी, बट उसके लिए मेरे पास एक वैलिड रीज़न है, क्योंकि एग्ज़ाम्स करीब आ चुके थे और काफ़ी ज़्यादा मतलब बच्चों का एक तरीके से उन पे प्रिपरेशन के लिए ज़्यादा बोझ डालना था और काफ़ी ज़्यादा प्रिपरेशन के लिए एक तरीके से आप कहेंगे टाइम कम पड़ रहा था, तो बच्चों को पढ़ाने के लिए आप ही के लिए था, बट मोड बस चेंज हो गया था। उसमें कुछ आप ऑनलाइन हैं, कुछ बच्चे ऑफलाइन हैं, उस समय ऑफलाइन बच्चों को देखना ज़रूरी था, क्योंकि अगर मैं नहीं देखता तो फिर अब वो क्या करते, इसीलिए जो है। चलिए कोई बात नहीं, अब से हमारी सीरीज जो है आपकी साइंस की शुरू हो चुकी है एकदम, मतलब रेगुलर वीडियोज़ आ रहे हैं। मैथ्स की भी आपकी एकदम आज से शुरू हो चुकी है, रोज़ एक एक वीडियो आएगा। टाइमिंग यही रहेगी, 1 बजे से लेके 3 बजे तक यही आपका रोज़ वीडियोस आएंगे, और आपको जो है मैं रोज़ मैथ्स की, इंग्लिश की वीडियोस डालूँगा, ठीक है? अल्टरनेट डेज पे आएंगी, कभी मैथ्स की कभी इंग्लिश की, और साइंस की तो आपकी आ ही रही है। चलिए शुरू करते हैं। आप देख रहे हैं आपका यूट्यूब चैनल ओनली फॉर करियर, और मैं हूँ आपके साथ ज़मन। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चैप्टर का नाम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। पहले तो चैप्टर के नाम से स्टार्ट करते हैं। तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स, ऐसी इक्वेशन, ठीक है, ऐसी इक्वेशन जो कि लीनियर हो और उसमें दो वेरिएबल्स हों, ठीक है, और ऐसे दो इक्वेशन दो। नहीं समझे कोई बात नहीं, बोर्ड किस लिए लगवाया हमने, हम आपको पूरा लिख के दिखाएंगे। मैंने एक इक्वेशन मानी, देखिए पहली चीज़ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस, लीनियर इक्वेशन होनी चाहिए, टू वेरिएबल्स में होनी चाहिए, इसको एकदम भूल जाओ। पहले इतना देखो, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, तो मैं एक लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल लिख ले रहा हूँ, 2x + 4y = 0। ये जो है हमारी एक लीनियर इक्वेशन है जिसमें दो वेरिएबल्स हैं। अच्छा, लीनियर मतलब क्या होता है? हाँ मुझे पता है आप लोग भूल चुके होंगे, कोई बात नहीं मैं याद दिलाता हूँ। लीनियर क्या होता है? एक ऐसी इक्वेशन, इक्वेशन पहले तो इक्वेशन समझ लो, इक्वेशन क्या होता है कि जिसमें इक्वल का मार्क आ जाए। हमने पॉलिनोमियल्स पढ़ा था, तो मैंने आपको कई बार समझाया था कि पॉलिनोमियल क्या होता है। जैसे मैंने आपको लिख दिया 2x + 3y, ये तो नहीं होगा, ये मैं लिख दे रहा हूँ 2x² + 3x + 4, ये आपका एक पॉलिनोमियल हो गया, क्योंकि इसमें इक्वल टू 0, इक्वल टू 4, ऐसा इक्वल आ ही नहीं रहा है। बट यही चीज़ अगर मैं इसे कुछ ऐसा लिख दूँ, ठीक है, अब ये जो मैंने पॉलिनोमियल लिखा था इसमें हाईएस्ट पावर 2 थी, यानी डिग्री 2 थी, इसलिए हम इसे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहते हैं। अब अगर हम इस इक्वेशन को देखें, ये इक्वेशन क्यों है? क्योंकि यहाँ पे इक्वल का मार्क आ रहा है। दूसरी चीज़, इक्वेशन है लीनियर, है लीनियर क्यों है? क्योंकि वो क्वाड्रेटिक थी, उसकी डिग्री 2 थी, हाईएस्ट पावर 2 थी, अब इसकी हाईएस्ट पावर आप देखोगे तो 1 है, 2x की पावर यहाँ पे कुछ नहीं है, तो इसका मतलब 1 है, y की पावर कुछ नहीं है, इसका मतलब 1 है, तो हाईएस्ट पावर यहाँ पे 1 है, ठीक है, तो ये लीनियर हो गई, बाकी ये इक्वेशन तो है ही। अब नेक्स्ट चीज़, टू वेरिएबल्स हैं, एक x, एक y, ठीक है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। अब यहाँ पे पेयर जो लिखा है इसका मतलब क्या होता है? पेयर मतलब जोड़ी में, हम कहते हैं ना 1 pair of shoes, 1 pair of slippers, इसका मतलब अगर आप, कई बार होता है आपसे पूछा जाता है कोई भी आपका फन बनाने के लिए आपसे क्या कहता है कि क्या लोगे, वो कहते हैं एक चप्पल लेंगे, तो एक चप्पल नहीं होता वो, 1 pair of slippers होता है, यानी एक जोड़ी चप्पल, तो इससे जो है कई बार आपकी हंसी भी बन जाती है। हाँ मुझे पता है, कोई बात नहीं। तो यहाँ पे पेयर का मतलब क्या हो गया? जोड़ी। अब यहाँ पे देखिए, ये एक लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स है। अगर मैं ऐसी एक और बना दूँ, कोई सी भी दूसरी, ऐसे नहीं कि सेम टू सेम बना दी, जैसे मैंने बना दी 3x + 9y = 4, ये जो है, अब ये दो हो गई, तो ये हमारी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल हो गई। चैप्टर के नाम से आप एकदम क्लियर हो गए हैं, ये मैंने बॉक्स बना दिया जिससे आपको ध्यान रहे। अब ये हमारा जो वीडियो है, ये इंट्रोडक्शन वीडियो है, इंट्रोडक्शन यानी चैप्टर का आपको बेसिक्स नहीं पढ़ाया जा रहा है, बट इंट्रो दिया जा रहा है क्या क्या पढ़ाया जाएगा। ऐसा है कि बच्चों का जो है सिलेबस चेंज हुआ है, पिछली बार टर्म ही चेंज हो गया था, आप उससे बिल्कुल फिक्र मत कीजिए। मैं क्या करूँगा, मैं आपको सारे टॉपिक्स पढ़ाऊँगा, बिल्कुल भी कुछ भी नहीं छोड़ना है,
सब पढ़ेंगे और सब करेंगे, ठीक है। हमारी जो पुरानी वीडियोज हैं उनमें भी सब सब कुछ कवर है। आपको जो देखना है, जो आपके सिलेबस में है वो आप देखिए, और जो सिलेबस में नहीं है वो बिल्कुल मत देखिए। CBSE की वेबसाइट पे आपका सिलेबस पड़ा होगा, आपको जो मतलब ऐसा लगता है कि हाँ ये मुझे देखनी है, ये टॉपिक्स मेरा क्लियर नहीं है, आप उन्हें देखिए। आपको ऐसा लगता है मेरा पूरा चैप्टर क्लियर नहीं है, पूरा चैप्टर देखिए। आपको ऐसा लगता है मुझे सिर्फ सिलेबस का देखना है, सिर्फ सिलेबस का देखिए। वीडियो जो है पार्ट्स में पड़ी रहेंगी, और हर मतलब वीडियो के नीचे वीडियो का जो टाइटल होता है उसमें आपको बताया जाएगा किस चीज़ पे है वीडियो, तो आप उस हिसाब से देख सकते हैं। थंबनेल पे भी लिखा होता है, ठीक है। तो हम जो है थंबनेल पे सारा लिख देंगे, जो भी टॉपिक्स होंगे आप उस हिसाब से देख लीजिएगा। अब जो जो टॉपिक्स कवर होंगे इसमें, टॉपिक्स क्या कवर होंगे, सब ही कवर होगा, कुछ नहीं छोड़ा जाएगा। क्या है पहला तो इक्वेशन। इक्वेशन क्या होती है वो तो मैंने आपको बेसिक इंट्रोडक्शन दे दिया, और ब्रीफ में इंट्रोडक्शन जो है मैं आपको जब पार्ट्स इनके दूंगा तब दूंगा। दूसरा है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, लीनियर इक्वेशंस, ठीक है। अगर ये मैं ये वाली इक्वेशन जब मैंने नहीं लिखी थी, सिर्फ ये इक्वेशन जो है ये लीनियर इक्वेशन है, ठीक है। बट ये लीनियर इक्वेशन है लेकिन इसमें वेरिएबल दो हैं। अगर इसमें मैं एक वेरिएबल कर दूं, जैसे कि एग्जांपल अगर आप ले लो 3x + 4 = 0, ठीक है, ये हो गई लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, क्योंकि सिर्फ एक वेरिएबल है जो कि है x। अब हम देखते हैं सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। अब इसके सॉल्यूशन कैसे निकाले जाएं वो सब मैं आपको पढ़ाऊंगा, हमारी जो वीडियोज आएंगी पार्ट्स आएंगे। नेक्स्ट हमारा लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स एंड इट्स सॉल्यूशन। अब लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स वो ये है, ठीक है, ये पेयर है दोनों। अगर हम देखें एक इक्वेशन को देखें तो वो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स है। नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट हमारा है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स एंड इट्स सॉल्यूशन। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल और उसके सॉल्यूशन, ठीक है। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल ये है, और उसके सॉल्यूशन क्या होते हैं। अब सॉल्यूशन वैसे तो आपको पॉलीनोमियल में पढ़ाया है, अगर आपको याद ना हो तो कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, एक एक चीज़ आपको बताई जाएगी। जैसे बच्चों को नहीं बताई जाती कि बेटा खाना ऐसे खाना है, ठीक है, बस क्या नहीं कराया जाएगा कि आपके मुंह में निवाला नहीं दिया जाएगा, स्पून फीडिंग नहीं कराई जाएगी। आपकी जितनी हेल्प हो सकेगी उतना हेल्प करेंगे, लेकिन अगर आप ये सोचो कि आपको जो है मतलब हमने निवाला भी बना दिया और उसको जो है पका भी दिया, अब आपके मुंह में भी रख दें, नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। करना आप ही को है, क्योंकि बोर्ड के एग्ज़ाम में हम नहीं आप बैठेंगे, अगर आप नहीं करेंगे तो कुछ नहीं हो सकता, ठीक है। हम सिर्फ आपकी हेल्प कर सकते हैं, बाकी करना आप ही को पड़ेगा। चलिए, मेथड्स टू सॉल्व पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। अब क्या क्या मेथड्स होते हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के, मेथड यहाँ पे लिख दिए मैंने, सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। कई बच्चे कहेंगे सर ये मेथड डिलीटेड है, वो डिलीटेड है, ये आ रहा है, वो नहीं आ रहा है। जितना इस चैप्टर में है मैं सब कवर करूँगा, जो आपको देखना हो वो आप देखें। ये नहीं कहूँगा कि जो देखना है वो देखो, जो नहीं देखना है वो नहीं देखो, बोर्ड में पास हो जाओगे, ऐसा नहीं है। जो सिलेबस में है वो आप ज़रूर देखो, बट जो ऐसा है जो सिलेबस में नहीं है मैंने पढ़ा रखा है, ज़रूरी नहीं है आप देखो, नहीं पढ़ा दिया तो देखना ही है, ऐसा नहीं है। आप जो है वो देखो, जो प्रायोरिटी पे उसे रखो जो सिलेबस में है। इन फ्यूचर अगर आपके पास टाइम बचता है तो आप देख लो नॉलेज के लिए, अगर आप देखना चाहते हो, और अगर आप नहीं चाहते हो तो मत देखो, कोई दिक्कत नहीं, CBSE ने आपको पूरी छूट दे रखी है। लास्ट चीज़ आती है वर्ड प्रॉब्लम्स। कई बच्चे इसमें फंसते हैं, वर्ड प्रॉब्लम्स, वर्ड प्रॉब्लम्स नाम ही कितना भारी सा लग रहा है ना, अभी ऐसा लग रहा हो यार वर्ड प्रॉब्लम्स बचपन में जो करते थे, रोहन है 2 apples एंड रिया हैड 4, एंड उनको ऐड करेंगे तो कितना आएगा, वो नहीं होगा यहाँ पे। यहाँ पे आपको ऐसा लगेगा कि आप मैथमेटिशियन बन गए, लेकिन ऐसा होगा नहीं। मतलब आपको ऐसा फीलिंग आएगी जब एक क्वेश्चन कर लोगे ना, तो जो बाहुबली वाली फीलिंग नहीं आती है, हाँ मैंने ये क्वेश्चन कर दिया अब तो मैं मैथ्स का बादशाह, वो फीलिंग आएगी। बट उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है। तो ये आपके टॉपिक्स कवर होंगे, कल से आपकी क्लासेस होंगी। टाइमिंग क्या रहेगा, टाइमिंग मैंने आपको बता दिया है, आप 12 से 3 पकड़ के चलिए, इस बीच आपकी क्लास आएगी। हाफ आवर, 1 hour, मैक्सिमम 1 hour का लेक्चर होगा, ठीक है। हो सकता है 10-15 मिनट बढ़ जाए अगर कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक हो, तो परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप जो है उसे
मतलब आराम आराम से देख सकते हैं। वीडियो आपके पास रिकॉर्डेड में पहुंचेगी ना, तो आप उसे आराम आराम से देख सकते हैं। कल से यही टाइमिंग रहेगा और आपको जो है इसे वीडियो को देखना है। अगर ये मैं आपको लिख के दे दे रहा हूँ, कोई भी टीचर हो, कोई भी अच्छे से अच्छा प्लेटफॉर्म हो, अगर आप टीचर की बात को फॉलो करते हैं तो आपको 100% सक्सेस मिलेगी। अब कई लोग होते हैं कि अरे वो टीचर बहुत अच्छा है, ये टीचर बहुत अच्छा है। टीचर कोई अच्छा कोई बुरा नहीं होता। एक टॉपर बच्चा हमेशा टॉपर रहेगा, एक लूज़र बच्चा हमेशा लूज़र रहेगा, ठीक है। जिसे मतलब ऐसा नहीं है लूज़र बच्चा हमेशा ही लूज़र रहेगा, जो मेहनत करने वाला है सिर्फ वो टॉपर होगा, और जो मेहनत नहीं करने वाला है वो भले ही टॉपर था लेकिन अब वो लूज़र बन जाएगा। ये जो है आपका जो कहते हैं ना भविष्य तय करने वाली, उसमें से एक एग्ज़ाम होगा आपका जो कि बोर्ड होगा, जैसे बोर्ड कहते हैं क्लास टेंथ बोर्ड, क्लास टेंथ बोर्ड, क्लास ट्वेल्थ। वैसे तो अब CUET आ गया है, लोग उसे भी प्रायोरिटी नहीं दे रहे हैं, लेकिन क्लास टेंथ ट्वेल्थ और उसके बाद जो भी आप कंपटीशन करते हैं या जो भी करते हैं, तो क्लास टेंथ और ट्वेल्थ से आपका भविष्य डिसाइड होना शुरू हो जाता है। तो बिल्कुल भी हल्के में मत लीजिएगा जैसे आपने पुरानी क्लासेस में लिया है। अच्छे से करिए और मेहनत से करिए। अगर हम मेहनत कर सकते हैं तो आपको भी करनी होगी, ठीक है। तो आज की क्लास फिर यहीं पे ओवर करते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करना मत भूलिएगा, क्योंकि कई बच्चे मैं देखता हूँ कि वीडियो देखी बढ़ाओ आगे, नहीं कमेंट करिए जिससे हमें पता चले क्या चीज़ हमें इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, क्या आपको चाहिए है, वो चीज़ हम आपको यहाँ पर प्रोवाइड करेंगे। तो चलिए इसी के साथ एंड करते हैं वीडियो को और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय।